आप ओवर पॉजिटिव हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पावर गेम आपका पार्टनर खेल रहा है, ठीक है, डिप्रेशन में आपको डाल रहा है, स्विच की तरह ऑन कर देता है, स्विच की तरह ऑफ कर देता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चला रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कॉल करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मैसेज करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो फिजिकल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रुला रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सुला रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको चला रहा है आपकी जिंदगी को, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कहीं नहीं जाने दे रहा, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा ना, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा आपको, आप अपने अकॉर्डिंग कॉल नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग उससे मिल नहीं सकते, अपने अकॉर्डिंग वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग आप उससे बात करने के लिए तड़प जाते हो, क्यों आप फिर ओवर पॉजिटिव हो रहे हो, ओवर पॉजिटिव का आपको टैग दिया जाता है, क्यों आपको शक्की बोला जा रहा है, क्या आप सच में शक्की हो, क्यों आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, क्यों वो खटके की तरह आपको चला रहा है, तो सारे पॉइंट बहुत यूनिक होने वाले, स्पेशल होने वाले, क्यों आपके साथ ये क्रिएटिविटी हो रही है, क्यों आपको टेंशन दी जा रही है, क्यों आप डिप्रेशन में आ रहे हो, क्यों आप काम पे वर्क नहीं कर पा रहे, क्यों आप खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे, क्यों आप अपनी स्टडी पे वर्क नहीं कर पा रहे, तो वीडियो का मोटिव यही होने वाला है, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। अगर आप मेरे से कॉलिंग पे बात करना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां मैसेज करिए और डायरेक्ट कॉल बुक करिए और मुझसे डायरेक्ट बात करिए पर्सनली, मैं आपकी जिंदगी आपको वापस दे सकता हूँ, नहीं ठीक है बचा सकता हूँ। ओवर पॉजिटिव हो रहे हो आप, सामने वाला भी आपको कह रहा है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, शक कर रहे हो आप, मेरे पीछे पागल हो रही हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ओवर पॉजिटिव इंसान तब होने लग जाता है, आपके माइंड में सो चीजें आने लग जाती है, अरे तेरा फोन कहां बिजी जा रहा है, क्यों बिजी जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों कहां बिजी हो, उनकी गलती वो नहीं मानेंगे और आपकी गलती मानेंगे कि तुम ओवर कर रहे हो, आप बेचैन होने लग जाते हो, आपको डर आता है कि यार किससे बात कर रहा होगा, कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई, नया बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया, आप अपनी जगह सही हो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, चीजें बता रहा हूं। ओवर पॉजिटिव आप होते हो तो कौन कौन सी क्रिएटिविटी करने लग जाते हो, अरे तू ऑनलाइन है, तूने तो बोला था मैं ये काम कर रही हूं, कर रहा हूं, तू क्यों ऑनलाइन है, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, बहुत सारे मैसेज करने लग जाते हैं, अगर उन्होंने बात करते करते फोन कट कर दिया हम 100 कॉल करने लग जाएंगे, कहां बिजी हो, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या, अरे तू क्यों गया इस भैया के साथ, क्यों गया चाचा के साथ, क्यों गया मुंह बोली बहन के साथ, क्यों मुंह बोले भैया के साथ गया, क्यों जिया जी से बात करी, क्यों इससे बात करी भाभी से, हम ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, हम ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं, सामने वाले को रोक रहे हैं, हमें शक आ रहा है, हम अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हमें ये लग रहा है कि यार ये किसी और से प्यार ना कर ले, किसी और के साथ सेक्स ना कर ले, किसी और को ये अपना ना बना ले, हमारे माइंड में ये 24 घंटे डर आया हुआ है, एक बेचैनी आई हुई है, इतना डर आया हुआ है कि हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, हम उसके एक पॉइंट को चाहते हैं कि वो हमें यूं कहे कि तुम कहां बिजी हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो हमें कॉल पे कॉल करे, बट वो चीजें नहीं हो रही, वो हमसे पूछना जरूरी नहीं समझ रहा, तुम कहां जा रहे हो, तुम अगर बिजी हो तो वो तुमसे ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं करेगा, बट तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन वगैरह करोगे, क्यों ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताता हूं मेंटेलिटी क्या, सामने वाले को आप हद से ज्यादा कॉल मैसेज कर रहे हो, सामने वाले को आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, जैसे कुत्ते को घी और लोगों को सच्चा प्यार हजम नहीं होता, तो यहां उसको हजम नहीं हो रहा, तो यहां आपको पोजेशन मैच में आप नहीं, हर वीडियो में बता चुका हूं आपको कम करनी है, ठीक है, आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, हाँ उसका फोन बिजी जा रहा है आपको कट कर देना चाहिए, 5 घंटे 10 घंटे बात करें तब आप अटेंड कर लो और अपनी बात करो, हाँ कैसे हो ठीक हो चलो मैं आपको 5 मिनट करता हूँ, आप ऐसे अवॉइड कर सकते हो चीजों को, ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग अपने माइंड में नहीं डालनी, आपको एक ही चीज सोचना है, क्या कॉलेज की सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड थी, क्या सारे लड़के मेरे बॉयफ्रेंड थे, क्या गली में सब लड़कों के साथ मैं फिजिकल हो गई, क्या सारी लड़कियों के साथ मैं फिजिकल हो गया, नहीं हुआ ना, तो ऐसे ही मेरा पार्टनर उसके साथ सब लड़कियां फिजिकल नहीं हो सकती, सब लड़के फिजिकल नहीं हो सकते, मेरे को अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को चूतिया लग रहा होगा, आज मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ बहुत लोगों को मैं गंदा लग रहा होगा, तो ऐसे ही आपका पार्टनर बहुत लोगों को गंदा लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा है तो देखो जो प्यार करेगा वो 100 लड़कों के बीच में से भी आपकी गर्लफ्रेंड निकल जाएगी तो वो कहीं और ध्यान नहीं देगी, आप में ध्यान देगी, ठीक है, और जो बॉयफ्रेंड है 100 लड़कियां छोड़ दो, ठीक है, गली मोहल्ले में अगर वो आपसे प्यार करता होगा उनको नहीं देखेगा, तो वैसा ही रिलेशनशिप है, ओवर पॉजिटिव हो जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, मर जाओगे, फिर चीजें भी वैसे होने लग जाएगी, ठीक है। अब सामने वाला पावर गेम खेल रहा है, स्विच की तरह आपको ऑन कर रहा है, देखो हमेशा मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी ने टाइम के अकॉर्डिंग आपको चला रहा है कि मेरी तो सुबह से शाम तक जॉब है, मैं देखो सुबह कॉल कर पाऊंगा शाम को कर पाऊंगा, तो देखो आपको उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना, हाँ किसी का फोन अगर जमा हो जाता है तो उस बेचारे की या उस बिचारी की मजबूरी है, वहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, वहां आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, बट अब सामने वाले के ऐसी सिचुएशन नहीं है, फिर वो आपको कॉल नहीं कर रहा या नहीं कर रही, वो सुबह कर लेता फिर शाम को कर लेता है, या कई होता है सुबह करते शाम को नहीं करते, तो उन चीजों पे आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी,
आपको अंदर तक घुसना है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप क्या बिजी टाइम में उनको कॉल करो, दोपहर में कॉल कर दिया, सामने वाला अटेंड कर रहा है तो ठीक है, अब वो रात को कॉल करे आपको बात करने, हाँ कैसे हो यार मैं बिजी हूँ थोड़ा बाद में बात करती हूँ आपसे, फोन कट कर दीजिए, क्योंकि उनको पूरे दिन आपकी याद नहीं आ रही, उनके पास फोन रह रहा है, वो ऑनलाइन भी आ रहे बट आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, तो रात में आपने क्या ठीक ले रखा है, आप उन्हें पॉजिटिव वाइब्स क्यों दे रहे हो, आप रात में बात करते हो फोन चालू छोड़ देते हो, अभी भी फोन चालू है, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लाइफ किसकी झंड होगी, आपकी झंड होगी। तो आपको क्या करना है, जब रात को वो कॉल करे, दिन में कॉल करे, हाँ यार मैं 5 मिनट में करती हूँ बिजी है, कुछ मत सोचो, पूरे दिन बात नहीं होगी, अगर वो नहीं सोच रहा तो आप भी मत सोचो, वो रह रहा है वो रह रही है तो आप भी रहना सीखो, प्रैक्टिकल वाले बंदे बनो। और सामने वाला जो पावर गेम खेलेगा वो यही कहेगा यार तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम 5 दिन रेस्ट करो, फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो, आप हजारों कॉल करते हो, आपको लगता है ये मेरी टैबलेट अगर ये नहीं लूंगी तो मैं मर जाऊंगा। अब आपको ऐसा करना कि यार मैं आपको 20 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है आप रेस्ट करिए। अरे यार आप ऐसी क्या बात कर रहे हो, पका रहे हो यार, आप क्या है यार, कैसे पहले कितने अच्छे थे और कर रहे हो यार, चलो ठीक है बाद में बात करते हैं, आपको ऐसे ट्रीट करना है। अरे क्या हो गया आपको, और बढ़िया होना यार, ऐसी कैसी बैकी बैकी बात कर रहे हो, आज आपकी आवाज कैसी हो रही है, कमियां निकालो, खुला छोड़ो कि चलो 2 दिन बाद में बात करते हैं, रेस्ट करो यार, आप घूम के आओ फिर क्या, वो कहेंगे ओके। ये पावर गेम खेलने वाले मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तुम्हारे बिना 5 दिन 10 दिन नहीं 12-15 दिन भी रह लेंगे, जैसे तुम इन्हें ऐसे टॉर्चर करोगे इनके पॉइंट ही मारोगे, आपको रेस्ट करना चाहिए, आप इंजॉय लो, अपने दोस्तों के साथ जाओ, ठीक है घूमो फिरो, इनको ये चीज हजम नहीं होगी जब आप इनको खुला छोड़ोगे, फिर ये बंधना चाहेंगे, फिर ये आपके पास आना चाहिए, तो इनका पावर गेम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा जो आप डिप्रेशन में जा रहे हो। आप ये सोचो वो बंदा रह रहा है तो मैं भी रहूंगी, प्रैक्टिकल वाले बनो तब चीजें अच्छी होंगी। आई होप वीडियो तुम्हें समझ आई होगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखना, बाय, टेक केयर।